हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक अच्छी न्यूज़ आ रही है, एक बड़ी बेहतरीन न्यूज़ आ रही है, ओके, जिससे जिससे रिलेटेड हम आज बात करने वाले हैं। तो उससे पहले हम उस वीडियो पर आए, उस न्यूज़ पर आए, ओके, और उसका उस पर्टिकुलर शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस करें। मैं आपसे चाहता हूँ कि हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और कल के दिन में मैंने एक वीडियो डाली थी आईटी स्टॉक से रिलेटेड, उसे जाके देखिए। बहुत अच्छा शेयर है जो कि आपको, और काफ़ी अच्छे उसमें जंप भी दिखाई दी है, और उससे रिलेटेड भी कुछ न्यूज़ थी जो मैंने अभी तक कवर नहीं करी है। तो आप देखिए, बहुत अच्छा शेयर है, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। तो आइए हम उस न्यूज़ पर आते हैं। तो जो न्यूज़ है वो IRCTC से रिलेटेड है। IRCTC आपको पता ही है, हमारी इंडियन रेलवे IRCTC जो हमारा टिकट बुक करते हैं, जिसमें जो टूरिज्म से भी टी मतलब टूरिज्म, कैसी मतलब कैटरिंग, और आर मतलब रेलवे, आई से इंडियन रेलवे। तो इससे रिलेटेड ये न्यूज़ है। तो भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC तो में OFS के जरिए बेचेगी हिस्सेदारी। तो OFS आने वाला है, OFS मीन्स ऑफर फॉर सेल। तो जो अभी जो प्राइस चल रहा है, ये न्यूज़ अभी आधे हाफ एन आवर बिफोर आई है, जिसकी वजह से शेयर में काफ़ी कल के दिन में गिरावट देखी जा सकती है। ओके, तो OFS क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी कंपनी जब अब जो शेयर होल्डर्स अपने शेयर को बेच के, ओके, वो मार्केट से पैसा जुटाते हैं OFS ऑफर फॉर सेल के माध्यम से, ओके, तो इसे OFS कहते हैं। और OFS लाते किस लिए हैं, वो अलग अलग जैसे कि कंपनी में एक सेबी का रूल है कि प्रमोटर्स की को 3 साल के अंदर अंदर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 3 साल के अंदर अंदर अपनी हिस्सेदारी 75:25 में करनी होती है। तो वो कितना करना चाहते हैं वो डिसाइड होगा, अभी तक कुछ डिसाइडेड नहीं है, बट OFS लाना चाहते हैं। अभी जैसे कि हम देखते हैं कि जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो लगभग लगभग 87.40 अभी प्रमोटर्स की होल्डिंग है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि OFS के जरिए 3 साल के अंदर अंदर, सेबी का रूल है कि कोई भी कंपनी जब रजिस्टर्ड होती है तो 3 साल के अंदर अंदर 75:25 मतलब 75% का जो प्रमोटर्स के पास ही हिस्सेदारी रह सकती है, उससे ज़्यादा नहीं रह सकती। 3 साल के अंदर अंदर उन्हें ये नियम का पालन करना पड़ता है। तो अभी 87 है, तो शायद 75 तक ये अपनी हिस्सेदारी काफ़ी बेच सकते हैं। अब कितनी बेचेंगे उसके रिलेटेड न्यूज़ आगे चल के आएगी। तो एक बार न्यूज़ को पढ़ लेते हैं। जैसे कि दे रखा है कि IRCTC में भारत में सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचने जा रही है। CNBC आवाज को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक IRCTC में OFS के जरिए हिस्सा बेचा जाएगा, जिसके लिए विनिवेश विभाग में मर्चेंट बैंकर्स की नियुक्ति के लिए बोलिया में मंगाई है। इसको लेकर प्री बिड मीटिंग 3 सितंबर को होगी। तो इसमें कुछ पर्टिकुलर पर्सनस होते हैं, पर्टिकुलर बैंक्स होते हैं, मर्चेंट बैंक्स, तो वो एक उनकी एक मीटिंग होती है, ओके, वो उसमें डिसाइड करेंगे कि किस प्राइस पे वो इस शेयर को बेचना चाहेंगे। जैसे कि आपको आपको सामने दिखाई दे रहा है कि आज के दिन लगभग लगभग 1354 रुपये का ये शेयर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये बिड है जो 3 सितंबर को, प्री बिड से प्लानिंग होगी कि कितनी कितने तारीख को किस भाव पर, किस प्राइस पर ये OFS लाया जाएगा। तो जिस हिसाब से, जैसे कि देख लिए, मौजूदा समय में सरकार के IRCTC 80% से ज़्यादा, जैसे कि मैंने दिखाया था 87 के आसपास हिस्सेदारी है, कि ये रेलवे की सब्सिडरी कंपनी है, इसके जरिए सभी लोग घर बैठे ट्रेन बुक करते हैं, ये सब आपको पता ही है ऑलरेडी। तो काफ़ी बेहतरीन शेयर है, ओके, तो इससे रिलेटेड ये न्यूज़ आ रही है। तो कितना करेंगे कितना नहीं करेंगे वो बाद में डिसाइड होगा, ओके, किस डेट को डिसाइड होगा ये भी न्यूज़। अक्टूबर पे मेरे ख्याल से 10 या 11 तारीख को इसकी बोली, ये OFS शुरू हो जाएगा। तो जब भी होगा मैं एक वीडियो और बना दूंगा। तो बस ये न्यूज़ थी कि OFS आने जा रहा है, जिसका जिसका इफेक्ट कल मार्केट में क्या पड़ेगा इस शेयर पर एक बार देख लेते हैं। क्योंकि जैसे कि अभी प्राइस चल रहा है 1354 रुपये, तो OFS आएगा तो डेफिनेटली OFS आएगा तो इस प्राइस पे तो आएगा नहीं, क्योंकि इस प्राइस पे तो ऑलरेडी चल रहा है। तो किस प्राइस पे आएगा, जो प्राइस उस दिन का होगा, तो उस प्राइस के हिसाब से वो कंपनी और मर्चेंट बैंकर्स, जो उनकी प्री बेड मीटिंग होगी, उसमें वो डिसाइड करेंगे कि कितने रुपए पे हमें OFS लाना होगा। तो उस हिसाब से एक पर्टिकुलर क्वांटिटी, पर्टिकुलर लॉट्स हमें हम वहाँ पर ख़रीद सकते हैं।
ओके तो डेफिनेटली कल के अभी IRCTC जैसे कि रेलवे का बिजनेस है, और रेलवे से टूरिज्म से रिलेटिंग, कैटरिंग से रिलेटेड बिजनेस है, तो ये तीनों के तीनों जो रेलवे के बिजनेस है, टूरिज्म, कैटरिंग एंड रेलवे, ये जैसे कि आपको पता ही है IRCTC रेल ही बंद है, पैसेंजर इधर से उधर जा नहीं पा रहे हैं कोरोना की वजह से, मार्च से ये सब चीज़ बंद पड़ा है, एकदम ठप पड़ा है, और अभी भी हमें पता नहीं है कि कब शुरू होगा, और इनके क्वार्टर जो अभी रिजल्ट आए थे वो भी काफ़ी बेकार रिजल्ट आए थे, और उनके जो मैनेजमेंट है IRCTC का, उन्होंने ऑलरेडी कह दिया है कि हमें स्टैंड करने के लिए 1 से 2 क्वार्टर और लगेंगे, तो मतलब 3 से 6 महीने। एक बार अगर रेलवे शुरू भी हो गया तो भी उन्हें 1 क्वार्टर तो लगेगा ही अपने मैनेजमेंट, अपनी ट्रैक पर आने के लिए, अपने बिजनेस को ट्रैक पर, क्योंकि ये बिल्कुल ही ठप पड़ा है, ट्रेनें चल नहीं रही है, लोग इधर से उधर जा नहीं रहे हैं, कोरोना का इफेक्ट सीधा देखा जा सकता है। तो जैसे कि ये शेयर यहाँ पर आप देख लीजिए कि 626 रुपये के भाव पर लिस्ट हुआ था, 626 रुपये के भाव पर ये शेयर लिस्ट हुआ था IRCTC, और आज 1354 है, और अगर हम देख लेते हैं इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर, तो लगभग ये 1900 के लगभग ये शेयर आ रहा था, और अगर कोरोना नहीं होता तो ये शेयर बहुत लंबा जाने वाला था। मोनोपोली बिजनेस है, आपने देखा होगा, आप पेटीएम से करिए या फोन पे से करिए या किसी भी साइट से ट्रेन बुक करिए, बट आपको सीधा वो लॉगिन कहाँ पर ले जाता है, IRCTC। तो मोनोपोली बिजनेस है, कोई इसका सानी नहीं है, कोई इसका कॉम्पिटिटर नहीं है, फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है, जो आपको गिरावट दिखाई दे रही है, जो ये दिखाई दे रहा है, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना, और कोरोना के टाइम पर ये आपको 898 पर भी ये शेयर आपको दिखाई दिया है, तो लोगों ने काफ़ी, और फिर भी इस शेयर ने, बिजनेस नहीं चल रहा फिर भी ये शेयर भाग रहा है। तो अभी OFS आ रहा है, तो OFS में ये शेयर की कीमत शायद और कम हो जाएगी, बट मोनोपोली बिजनेस है, आप इस शेयर को कभी भी खरीद सकते हैं, और जैसे ही खरीदेंगे और वेट करते हैं लॉन्ग टर्म का, तो ये आपको मल्टी बैगर साबित हो सकता है। तो एक बार आज के परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, तो जैसे कि आपको सामने दिखाई दे रहा है कि 52 वीक लो 14 अक्टूबर को 625 रुपये, जब ये लिस्ट हुआ था, और 52 वीक हाई 25 फरवरी 1900, मतलब 25 फरवरी 2020 को लगभग 2000 रुपये पे ये शेयर आता था। क्वांटिटी की बात कर ले, डिलीवरी क्वांटिटी, तो लगभग 27.51% की डिलीवरीज उठाई गई है आज भी। इसके अलावा कंपनी इन्फॉर्मेशन की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया था कि प्रमोटर्स का 87.40% की हिस्सेदारी है, पब्लिक के पास 12.60, इसीलिए OFS लाया जा रहा है ताकि OFS लाएंगे तो ये अपनी हिस्सेदारी कम कर देंगे, जो सेबी का रूल है 75:25 का, उसे उन्हें फुलफिल करना होगा, शायद इस वजह से वो OFS ला रहे हैं। डिविडेंड भी कंपनी अभी नई है, लास्ट ईयर ही 19 में ये लिस्ट हुई है, तो 10 रुपये का इन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया है। इसके अलावा आप प्लेजिंग की बात कर रहे हो तो कोई भी शेयर गिर भी नहीं है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। रिटर्न की बात कर लेते हैं, पुरानी कंपनी है नहीं, 1 साल भी हुआ नहीं है, बट फिर भी ये शेयर जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, एयरटेल देखता 45% का प्रॉफिट 3 मंथ्स में 7, बट यहाँ पर रेड दिखाई दे रहा है। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर ये कंपनी जिस दिन इस लेवल पर पहुंचेगी ना, तो ये कंपनी का प्रॉफिट का रेशो जो होगा वो किसी से भी बेहतरीन होगा, शायद 1000 2000 और 10,000 रुपये, 1000% तक का भी आपको प्रॉफिट आगने वाले टाइम में होगा, क्योंकि कोरोना जैसे ही खत्म होगा, जैसे ही ट्रेन और जैसे ही इनका बिजनेस ट्रैक पर आएगा, लोग आना जाना शुरू करेंगे बेधड़क, तो डेफिनेटली बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस ये कंपनी देगी। मोनोपोली है, कोई कोई बिजनेस इसका कॉम्पिटिटर है नहीं। प्रमोटर, इसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर ले तो प्रमोटर्स के पास जैसे कि दिखाया है 87.40% की हिस्सेदारी है, फॉर इन्वेस्टर के पास 0.77% की, म्यूचुअल फंड के पास जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है 2.05 से उन्होंने माइनर 0.676% कम करी है, नॉन इंस्टीट्यूशनल के पास 10.48, डोमेस्टिक इन्हें 0.05, ये सारे सब मोस्टली इन लोगों ने हिस्सेदारी कम करी है, बट आपको बताना चाहता हूँ जैसे ही बिजनेस ट्रैक पर आएगा ये इतनी खरीदारी करेंगे कि ये रेशो चेंज होता हुआ आपको डेफिनेटली नज़र आने वाला है, क्योंकि बिजनेस का सानी कोई नहीं है, ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक बार बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं हम, बैलेंस शीट देख लीजिए, डेट फ्री कंपनी है, और इनके जो रिजर्व्स है देखिए यहाँ पर सामने, पहले 522 करोड़ के, 738, 905, 907, और अभी भी मार्च में इनके जो रिजर्व्स थे
ओके 1167 करोड़ रुपए के इनके पास रिजर्व्स है। डेट की बात की जाए तो सामने आपको देख रहे डेट फ्री कंपनी है, कोई भी इनके ऊपर कर्ज नहीं है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। ओके तो ये सबसे बड़ी इसकी इसका परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं। कोरोना की वजह से ये अभी चल नहीं पा रहा है, बस यही रीज़न है। इसके अलावा कैश एंड बैंक बैलेंस की बात कर लीजिए, 617 करोड़ के बैंक बैलेंस भी बढ़ के 852 हुए, फिर उसके बाद 833 हुए, फिर 1140, और अभी कैश एंड बैंक बैलेंस देखिए 1296, लगभग लगभग 1300 करोड़ रुपये के बैंक बैलेंस इनके पास, कैश एंड बैंक बैलेंस इनके पास है। तो काफ़ी अच्छी बैलेंस शीट भी है, एवरीथिंग इज़ ओके। न्यूज़ के लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी कि न्यूज़ जैसे कि आपको दिखाई दे रही है कि ओएफएस आ रहा है इसका, तो ओएफएस आ रहा है तो शेयर प्राइस में गिरावट हो सकती है, बिजनेस अभी बंद पड़े हैं। ओके लोग बुलिश है, लोगों को पता है कि मोनोपोली बिजनेस है, इसलिए लोग भी अपने शेयर्स नहीं बेच रहे हैं, ऊपर नीचे आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके बट पब्लिक जैसे ही ओएफएस आएगा तो कल के दिन शायद बहुत अच्छी गिरावट देखी जा सकती है ओएफएस, क्योंकि ओएफएस आएगा तो इस प्राइस पे तो आएगा नहीं, डेफिनेटली नीचे की तरफ आएगा, कम प्राइस पर आएगा। ओके आ सकता है, और आएगा इस तरीके से तो लोग और खरीदेंगे, उस टाइम और नीचे जा सकता है शेयर। और इनका मैनेजमेंट ने ऑलरेडी बता दिया है कि 1 से 2 क्वार्टर तक रिजल्ट अभी बेकार ही आने वाले हैं। ऑलरेडी उन्होंने कहा है, क्योंकि पता ही है रेल का बिजनेस ठप पड़ा है, वर्किंग में है नहीं, जैसे ही बट वर्किंग में आएगा तो ये जो रेशो है, जो ये प्रॉफिट का रेशो आपको देखा है 600 से 2000, इसे बहुत जल्दी 1 महीने के अंदर अंदर जैसे ही ट्रैक पर आएगा, ये शेयर आपको ऐसे भागते हुए नजर आएगा कि आपको पकड़ में नहीं आएगा, कभी भी खरीद सकते हैं। ओके डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, न्यूज़ से रिलेटेड अच्छी लगी हो, आपको मुझे एफर्ट अच्छा लगा हो, ओके तो आप हमारे इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को दबा लीजिए, बटन को दबाइए, ताकि आपके पास सारी न्यूज़, सारी हमारी वीडियोस, इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, शेयर बाजार से रिलेटेड आती रहे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।